हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ का यूनिट वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इम्पॉर्टेंस है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें अपने गोल तक रीच करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए। इट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं या हमारा जो एक इंटरेस्ट है या हमारा जो एक इंटेंशन है, हम उस इंटेंशंस के साथ काम करते हैं और साथ में हम अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी पूरा करते हैं। इट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी हम इसमें पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज करता है इफिशियंसी को। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी हम मैनेजमेंट में कैसे अपने स्किल बढ़ा सकते हैं या कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बताता है कि आप बेटर प्लानिंग के थ्रू, आपने जो काम फ्यूचर में करना है आप उसको प्रेजेंट में पहले प्लान करो कि हमने ये चीज़ कल को करना है या हम इस चीज़ को कल किसके थ्रू कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में रह करके हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, तो प्लानिंग आपका बेटर होना चाहिए। देन आफ्टर आपने जो प्लान किया है, अकॉर्डिंग टू द प्लान आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजिंग भी आपको बेटर करना पड़ेगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर मेरा एक बिजनेस है और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है और वहाँ पे मैं गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो मेरा गुड्स जिसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है या जो मशीनरी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अच्छा हो, वो बेटर हो, वो बेस्ट हो। देन ओनली जो हमारा प्रोडक्ट गुड्स होगा वो भी बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस हो पाएगा। देन वी हैव डायरेक्टिंग। हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, प्लान वे में चल रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या हमारा जो डायरेक्शन स्किल है वो उतना अच्छा नहीं है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएंगे, तो साथ में हमारा इफिशियंसी तब बढ़ेगा जब हमारा प्लानिंग अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होगा और उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट कर रहे होंगे। अगर हमने डायरेक्शन उतना इफ़ेक्टिव वे में नहीं दिया है या हमारे वर्कर्स जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर हम उनको सही निर्देश नहीं दे पा रहे हैं या सही हमको दिशा की ओर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, सही डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो हमने समय प्लानिंग में किया, देन आफ्टर हमने बेटर चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, तो अगर हम इस चीज़ में असफल हो गए तो हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएंगे। द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोडक्टिविटी लेवल तभी बढ़ेगा, इफिशियंसी बेटर तभी होगा जब आप हर चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लेकर के चल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सर्वाइव करता है डायनेमिक कंडीशन में, डायनेमिक सराउंडिंग में, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने परफॉर्मेंस को डे बाई डे इंक्रीज करता है, बेटर करता है, ताकि वो कस्टमर के डिमांड के अनुसार गुड्स को मार्केट में सप्लाई कर पाए। Thus, the manager keeps changes in the organization to match an environment changes. एक मैनेजर जो है वो डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करता है,
वो इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा होगा. ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज द हमारे कस्टमर जो हमारे पास है, हमारे कस्टमर जो हमारे गुड्स को लेते हैं, परचेस करते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं और जिनके माध्यम से हम प्रॉफिट कमाते हैं, उनका जो टेस्ट है, प्रिफ्रेंस है, प्रायोरिटी है, वो चेंज होता रहता है. हो सकता है उनका लेवल ऑफ इनकम कभी इंक्रीज कर जाए तो उनका डिमांड भी बढ़ सकता है या उनका प्रायोरिटी चेंज हो सकता है. आज कोई कस्टमर जो गुड्स को परचेस कर रहा है, कल हो सकता है वो गुड्स को परचेस नहीं करे, कोई और गुड्स को परचेस करे क्योंकि उसका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर गया है. तो यहाँ पर हमें और इन्वायरमेंट के चेंज के अनुसार, कस्टमर के डिमांड के अनुसार, कस्टमर के प्रायोरिटी के अनुसार हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ेगा. अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस भी लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. तो एक मैनेजर क्या करता है, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्वेशन वो चेंज करने का सोचता है. अगर वो चेंज नहीं करेगा तो हम पीछे रह जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगा, एक बिजनेस जो है जिस पर्पस के लिए उसको इस्टैब्लिश किया गया था, अगर वो पर्पस पूरा नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं कल हो करके बंद हो जाएगा. ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था हम लोगों ने विद सम ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए. अगर हमने अपने बिजनेस को चेंज के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए या कुछ उसमें वेरिएशन नहीं लाए तो हम कस्टमर के डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाएंगे. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. हम लोग अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है. ओके, अगर हम लोग अपग्रेडेशन के साथ या जिस प्रकार से अपडेट हो रहा है उस प्रकार अगर हम खुद को इन्हेंस नहीं करेंगे, खुद को हम चेंज नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो सर्वाइव करने के लिए या एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उसको भी चेंजेस करना होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में. इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी इन द सेंस इन द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसमें जो सेकंड पॉइंट आया था सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अपने सोसाइटी के बारे में भी कुछ कंसर्न दिखाना चाहिए, कुछ सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए. अगर हम एक बिजनेसमैन हैं और एक सोसाइटी में हमारा बिजनेस रन कर रहा है तो एक अच्छे बिजनेसमैन होने के तौर पर हमें भी अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए. बिकॉज हम जो भी रिसोर्सेस अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं वो सोसाइटी से ही हम लेकर के अपने बिजनेस में लगाते हैं. अगर हम फाइनेंस रिसोर्सेज की बात करते हैं, कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, रॉ मटेरियल की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रिसोर्सेज अगर हम इनपुट करते हैं या इनबिल्ड करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी से ही रिलेट करता है. तो एज अ बिजनेसमैन हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे प्राइम फैक्टर ये होगा या प्राइम में हम उसको रखेंगे कि हमारा जो पर्पस है बिजनेस को स्टार्ट करने का, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो क्वालिटी होगा वो अच्छा होना चाहिए. क्योंकि उस गुड्स को कंज्यूम करेगा कस्टमर जो एक सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है. तो हम अपने सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं या अगर हम कोई सर्विस को सप्लाई करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें वो सर्विस हमेशा बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड कराना चाहिए और जो गुड्स है उसका भी क्वालिटी हम डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं कस्टमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अनुसार. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं सोसाइटी में.
एक बिजनेस स्टार्ट हुआ था विथ सम पीपल, कुछ लोगों के साथ मिलकर के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन आज हमने जब बिजनेस को बहुत समय के बाद हमने देखा कि अब हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने की आवश्यकता है, इसको ग्रो करने की आवश्यकता है, तो हमें भी एक्सपैंड, जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जॉब को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, तो जिसके थ्रू नंबर ऑफ पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे। एक तरफ तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ऑन द अदर हैंड जो इम्प्लॉय या जो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, जिसको हम हायर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसका भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी पूरा होगा। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, वो हमारे बिजनेस के लिए काम करेगा, और हम उसे टाइम पर सैलरी पे करेंगे, जिसके अनुसार उसका जो नीड्स है वो भी हम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। हम डेवलपमेंट कर पा रहे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है और कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, तो हम भी टेक्नोलॉजी में अपडेट करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं करेगा, अगर हम सोसाइटी को उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, अगर हम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमें पता है कि हमें भी बिजनेस इसी सोसाइटी में करना है। अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करके इसी सोसाइटी में देना है, या हम जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसी सोसाइटी में और इसी सोसाइटी से बिलोंग करने वाले कस्टमर उसे यूज़ करेंगे, या उस सर्विस को वो यूज़ करके हमें वो प्रॉफिट कमाने का मौका देंगे। नेक्स्ट वी हैव इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है, तो इसको हम लोग तीन इसमें पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, और मैनेजमेंट ओके एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स कैसा है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल पर्सन एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, आर्ट क्या है, रेफर्स करता है स्किलफुल पर्सन एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, जो हमारा डिजायर रिजल्ट है उसको हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। इसे हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं या कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं, तो आप एक्वायर कर सकते हो पढ़ करके, स्टडी करके, चीज़ों को एब्जॉर्व करके और उसको एक्सपीरियंस करके। ओके, स्टडी, एब्जॉर्वेशन और एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का क्या फीचर है वो देखते हैं। नंबर वन है इसमें ए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस, ये हमें मैनेजमेंट एज एन आर्ट में जानना है। इन एवरी आर्ट, हर आर्ट में सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, ओके, स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरली टू अक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करने का प्रयास करते हैं, या हम चाहते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज हम एक्वायर करें, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के लिए मटेरियल अवेलेबल है। हमारे पास मटेरियल अवेलेबल रहेगा देन ओनली हम उस चीज़ को एक्वायर कर पाएंगे। तो हमने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज में तो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको पढ़ करके हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं।
तो ये हम लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज में जाना कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट में जो आर्ट हम सीखते हैं या जिसको हम मैनेजमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं उसके लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, उसको पढ़ करके उस चीज़ को एब्जॉर्व करके या उसको एक्सपीरियंस करके हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर बी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। हम जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोड्यूसर और आई कैन से मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हैं। तो हर का जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है या लेवल ऑफ स्किल है वो डिफर करता है, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका हर किसी का अलग होता है और वही उनको दूसरों से अलग करता है। ओके, जो एक मैनेजर होता है उसके पास मैनेजमेंट स्किल होता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है अपनी इफ़िशियंसी के साथ, अपने स्किल के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैनेज करता है। अगर वो इस तरीके से नहीं करेगा चीज़ों को मैनेज तो हो सकता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच नहीं कर पाए या हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जिसके लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है। तो हम देख रहे हैं कि हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है, बिजनेस छोटा है या बड़ा है, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, बट द थिंग इज़ कि आपको हर जगह मैनेजमेंट को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अगर आपने हर जगह मैनेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं किया तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को एप्लीकेबल कौन करेगा? मैनेजर करेगा, जिसको मैंने हायर किया है चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पर्सन टू पर्सन है वो चीज़ें वैरी कर रही हैं, सेम नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में तो हम अगर टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का तो हम देखेंगे सेम क्वेश्चन का आंसर देगा स्टूडेंट, लेकिन जो उसका एग्जाम्पल है वो दूसरों से अलग लिखेगा क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग है, वो चीज़ों को अपने अनुसार मैनेज करने का प्रयास कर रहा है। तो हमको वहाँ भी वेरिएशन दिखेगा, वहाँ भी हमको चेंजेस नज़र आएगा। ओके, दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स जो है वो बेस्ड करता है किस पे? क्रिएटिविटी पे और प्रैक्टिस पे। आर्ट इन्वॉल्व्स इनकंसिस्टेंस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज। जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर किया है, गेन किया है, उसको हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर किया था, अगर हम इसको प्रैक्टिकल बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, द म्यूजिक क्रिएटेड बाय म्यूजिशियन आर डिफरेंट थ्रू द म्यूजिकल नोट्स यूज्ड आर द सेम। अगर हमने 10 म्यूजिशियन को अपने सामने रखा है और उनको हम सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए दे रहे हैं तो वहाँ भी हम वेरिएशन और चेंजेस को देख सकते हैं। ओके, वहाँ भी हमें चेंजेस नज़र आएगा, वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव नज़र आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल को हर कोई अप्लाई करता है, मैनेजमेंट को हर कोई एप्लीकेबल बनाता है अपने कामों को पूरा करने के लिए, लेकिन वही सक्सेसफुल होता है जो उस चीज़ को क्रिएटिव वे में करता है। ओके, हर कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में सप्लाई कर रहा है, लेकिन कस्टमर उसी गुड्स को परचेस करता है जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जो देखने में अट्रैक्टिव लगता हो। थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से अगर आप किसी चीज़ को मार्केट में लॉन्च करोगे तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में अपना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट भी कमा पाएगा।
तो म्यूजिकल में भी हमने देखा यहाँ भी वेरिएशन हो रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी सेम है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट एज अ साइंस. अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट एज एन आर्ट डिस्कस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने ABC 3 पॉइंट को डिस्कस किया, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और सी पॉइंट में हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स. मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स क्या है और उसको हम कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं. साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ. साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहाँ पर हमारे पास क्या है, जनरल ट्रूथ है विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर और एनी टाइम, जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी टाइम हम एप्लीकेबल बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं. ओके, फीचर्स में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसका जो पहला फीचर है वो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये बोलता है साइंस हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. ओके, ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे. इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट. ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स पे और एक्सपेरिमेंट्स पे. हमने किसी भी चीज़ को अगर साइंटिफिकली प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, उसको प्रिंसिपल्स के थ्रू करेंगे और उसको हम एक्सपेरिमेंट करके करेंगे. कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आता है तो वो अच्छा क्वालिटी का है या नहीं है हम लोग कैसे जान पाएंगे, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, तो हम लोग जान पाएंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. उसी प्रकार साइंस जो है, अगर हम लोग उसको मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर डिस्कस करते हैं तो वो बेस्ड होता है जनरल ट्रूथ पे, जिसको हम टेस्ट के माध्यम से प्रूफ करते हैं, आप कहीं भी हो या किसी भी टाइम हो. फिर वो बोलता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका, देन आफ्टर हम लोग किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हाँ इसको मैंने डे बाय डे हर दिन इसमें एक्सपेरिमेंट किया है और जो इसका रिजल्ट है वो सेम आ रहा है. वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ने किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है और उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लो और आप कहीं भी कर लो, दैट्स वाई वी कॉल मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड फीचर में बोलता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट ये है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एब्जॉर्वेशन. जो इसका प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशन पे. साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑन एब्जॉर्वेशन. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है, साइंटिफिक प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है और वो एब्जॉर्वेशन पे बेस्ड होता है. हम चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एप्लीकेबल बनाते हैं. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल. ये बोलता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रेलिवेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. द मैनेजरियल प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है. आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको कहीं भी एप्लीकेबल बना सकते हो. अगर आप सोशल बात करो या पॉलिटिकल बात करते हो या किसी और डिपार्टमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हो, तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है. आप इसको कहीं भी एप्लीकेबल बना सकते हो, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण आप जो अपने टारगेट तक वो इजीली अचीव करोगे और आप उसमें सक्सेसफुल भी होगे. नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन.
मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन में हमने देखा था कि आपको उस चीज़ के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखना होगा, देन ओनली आप किसी भी चीज़ में एज अ प्रोफेशनल एंट्री कर पाओगे। जितना उसका क्राइटेरिया है, अगर आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया होगा, देन ओनली यू कैन सर्व योर सर्विस। तो प्रोफेशन मीन्स वो ऑक्यूपेशन जिसके लिए आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है जिसके लिए उसमें आपको एंट्री मिलेगा या जिसके माध्यम से उसमें आपको एंट्री मिलेगा, अगर वो नहीं है तो आप उसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। नंबर वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन जो है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें हमें सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ेगा या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ लॉयर का। अगर मुझे लॉयर बनना है तो मुझे LLB का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जब तक मेरे पास LLB की डिग्री नहीं होगी या LLB का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक मैं लॉयर नहीं बन पाऊँगा। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास MBBS का डिग्री होना चाहिए, है ना, या मेडिकल लाइन का डिग्री होना चाहिए। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ तो मेरे पास CA का डिग्री होना चाहिए। मैंने CA क्वालिफिकेशन, CA फाइनल का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई करा, देन मुझे वहाँ से डिग्री मिल गया। तो मैं अगर लॉयर, डॉक्टर या CA बनना चाहता हूँ तो मेरे पास डिग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। नॉलेज आपको एक्वायर करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ का कुछ टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा, वहाँ से आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। वहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ करके आप उसको एक्वायर करोगे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दोगे, जिस चीज़ को आप पढ़ करके एक्वायर करो उसके लिए आप एग्ज़ाम दोगे, और एट द एंड आपको अगर डिग्री मिल जाती है तो वहाँ पर आप इंटर कर पाओगे एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज है, आपको किसी फील्ड में आना है उसके लिए आपको उस फील्ड का स्पेशल नॉलेज होना अनिवार्य है, या उसके लिए जो स्किल की आवश्यकता है वो स्किल आपके पास होना चाहिए, तब आप एज अ प्रोफेशनल उसमें आकर के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर बी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री जो है इसमें वो रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम लोगों ने क्लास 11th में बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बट अगर कहीं हम जॉब लेना चाहते हैं या हम एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन में देखा था, वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एंट्री सब के लिए नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपना बिजनेस चला सकता है, अगर कोई लॉयर है वो अपना बिजनेस चला सकता है, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन लॉयर नहीं बन सकता। वो तब बनेगा जब वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। कोई भी बिजनेसमैन डॉक्टर तब बनेगा जब वो MBBS का एग्ज़ाम या मेडिकल लाइन का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, या कोई भी व्यक्ति CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता जब तक वो CA का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेता। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप एंट्री करना चाहते हो एज अ प्रोफेशनलिस्ट, प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा जब तक आपके पास उस एरिया का डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं हो। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। आपको इसके लिए क्या करना होगा? एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम से कम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जितना उस प्रोफेशन में डिमांड किया गया है।
डिमांड के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए या आपने वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर किया है तब आप उसमें इंट्री कर सकते हो और आप वहाँ पर आकर के अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव हिज प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर जो प्रोफेशनल होता है या प्रोफेशन जो होता है वो किसी ना किसी एसोसिएशन से लिंक्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से वो काम करता है। विच रेगुलेट इंट्री एंड फ्रेम्स। वो क्या करता है, इंट्री और फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। प्रोफेशन जो भी लोग प्रोफेशन में आ रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे या नहीं कर रहे। इसमें एक चीज़ और आ जाएगा, पॉइंट नंबर डी, सर्विस मोटिव। आपको जिसके लिए आप डिग्री मिला है या आप जिस काम के लिए आ रहे हो, आप जिस काम में प्रोफेशन बन रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनिस्ट बन रहे हो आप, आपका मोटिव होना चाहिए कि आप वहाँ पे जा करके अपनी सर्विस को प्रोवाइड करो एज अ प्रोफेशनिस्ट। ओके देन।